हाय, मैं रुपेश कुमार सिंह अगेन आप सभी का स्वागत करता हूं बानिक के स्मार्ट क्लासेस में। और जैसे कि आपको वादा किया गया था, हर कुछ क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो आज का जो हमारा इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है, याद रखिएगा, आपका नोबेल प्राइज। जी हाँ, नोबेल प्राइज आप सभी ने सुना होगा। आप अगर एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता होगा कि एग्जाम में किसी ना किसी सेक्शन में क्या होता है, आपका नोबेल प्राइज रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछता है। तो आज हम लोग बात करेंगे नोबेल प्राइज के बारे में और नोबेल प्राइज का हिस्ट्री के बारे में, कब स्टार्ट हुआ था, कौन कौन सा फील्ड में दिया जाता है और ए टू जेड नोबेल प्राइज में जितने भी रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उसको आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड, सम्मानित अवार्ड यानी बहुत रेस्पेक्टेड अवार्ड होता है कौन सा, आपका नोबेल प्राइज। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेड प्राइज अगर कोई सा है तो वो है आपका नोबेल प्राइज। और इसको देना स्टार्ट किया गया था, याद रखिएगा, आप एक इंसान थे जिनका नाम था, याद रखिएगा, आपका अल्फर्ड नोबेल। ठीक है, एक इंसान थे जिनका नाम था आपका अल्फर्ड नोबेल और उन्होंने डिस्कवर किया गया था क्या, आपका इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट। याद रखिएगा, अल्फर्ड नोबेल को हम लोग बोलते हैं क्या, आपका इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट, इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट। और उन्हीं के नाम के हिसाब से लास्ट में उनका रखेगा आपका अल्फर्ड नोबेल, लास्ट में क्या लगा है आपका नोबेल लगा है, तो उन्हीं के नाम के हिसाब से क्या गया आपका नोबेल प्राइज देना स्टार्ट किया गया था। क्लियर हो गया आपका। और एक चीज याद रखिएगा कि हर साल दिसंबर 10 को, क्लियर, हर साल दिसंबर 10 को क्या जाता है आपका नोबेल प्राइज दिया जाता है। और दिसंबर 10 याद रखिएगा, इट इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्फर्ड नोबेल। अल्फर्ड नोबेल का 10 दिसंबर को क्या हुआ था, डेथ हुआ था। और हर साल उनका डेथ एनिवर्सरी को उनको याद करने के लिए, याद रखिएगा, दिसंबर 10 को आपका हर साल नोबेल प्राइज दिया जाता है। क्लियर हो रहा है आपका। नेक्स्ट, अगर बात किया जाए नोबेल प्राइज को कौन कौन से फील्ड में दिया जाता है, तो याद रखिएगा, नोबेल प्राइज आपको दिया जाता है मेनली 6 फील्ड के लिए। कितने फील्ड के लिए दिया जाता है आपका, 6 फील्ड के लिए दिया जाता है। क्या क्या है, तो फिजिक्स, दूसरा हो गया आपका केमिस्ट्री, तीसरा हो गया आपका मेडिसिन या फिर आप लोग बोल सकते हो बायोलॉजी, चौथा हो गया आपका पीस, पांचवा हो गया आपका लिटरेचर और नेक्स्ट हो गया आपका इकोनॉमिक्स। तो याद रखिएगा, नोबेल प्राइज जो दिया जाता है आपका नॉर्मली ये 6 फील्ड के लिए दिया जाता है। क्लियर हो गया आपका। जैसे कि बताया गया आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर और एक हो गया आपका कौन सा, इकोनॉमिक्स के लिए दिया जाता है। अच्छा, अगर बात किया जाए तो देखिए, ये जो पांच अवार्ड है यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिसिन, पीस और लिटरेचर, ये आपका 1901 में स्टार्ट हुआ था। और बाकी जो था, ठीक है, बाकी जो था वो स्टार्ट हुआ था, जैसे कि आपका बच गया कौन सा, इकोनॉमिक्स, ये स्टार्ट हुआ था आपका 1967 में, आपका स्टार्ट हुआ था। याद रखिएगा, 1967 में आपका स्टार्ट हुआ था इकोनॉमिक्स और इसको देना स्टार्ट किया गया था 1969 में। 1901 में बाकी सारा, जैसे कि आपका बताया गया बाकी जो पांच फील्ड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीस, लिटरेचर, ये आपका 1901 से स्टार्ट हुआ था। और बाकी जो था इकोनॉमिक्स, ये स्टार्ट हुआ था, देना याद रखिएगा, 1967 में। लेकिन इसको पहली बार दिया गया था कब, तो इसको पहली बार दिया गया था, याद रखिएगा, 1969 में दिया गया था। क्लियर हो गया आपका। अच्छा, द पीस प्राइज अगर बात किया जाए नोबेल प्राइज में, देखा यहां पर लिखा होगा आपको पीस प्राइज, तो जो पीस प्राइज होता है वो देता है, याद रखिएगा आपका, ये कहां दिया जाता है आपका, ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। ठीक है, नॉर्वे का एक जगह है जिसका नाम है आपका ओस्लो, वहां पे आपका पीस प्राइज दिया जाता है। और बाकी जो भी प्राइज है, बाकी सारा प्राइज आपको दिया जाता है, याद रखिएगा, आपका स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है, दोनों प्राइज 10 दिसंबर को दिया जाता है लेकिन अलग अलग जगह पे दिया जाता है। पीस प्राइज दिया जाता है कहां पे, ये दिया जाता है आपका, याद रखिएगा, ओस्लो नॉर्वे में दिया जाएगा। वहीं अगर बाकी सारा प्राइज का बात किया जाए तो ये दिया जाता है कहां पे, ये याद रखिएगा आपका, स्टॉकहोम नॉर्वे में दिया जाता है।
और यह प्राइज आपको हर साल दिया जाता है, याद रखिएगा हर साल दिया जाता है। बट 1940 से लेकर 1942 के बीच में नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 1940 से लेकर 1942 का जो इंटरवल था इसमें नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था ड्यू टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आप सभी को पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका स्टार्ट हुआ था 1939 से, कंटिन्यू हुआ था आपका 1945 तक। तो इस स्पीच का जो टाइम पीरियड है 1940 से लेकर 1942 तक, वहां पे आपका नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अगर बात किया जाए कि कौन देता है जो प्राइज सब बताया गया, इतना सारा 6 फील्ड के लिए दिया देता है, तो कौन देता है, तो बात की जाए फिजिक्स और केमिस्ट्री, याद रखिएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री जो होता है वो देता है आपका स्वेडिश एकेडमी ऑफ साइंस। याद रखिएगा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है वो देता है कौन, आपका स्वेडिश एकेडमी ऑफ साइंस देता है। वही अगर मेडिसिन या फिर बायोलॉजी का बात किया जाए तो ये देता है, याद रखिएगा आपका स्टॉकहोम फैकल्टी ऑफ मेडिसिन। कौन देता है ये आपका, ये देता है आपका स्टॉकहोम फैकल्टी ऑफ मेडिसिन। वही अगर बात किया जाए लिटरेचर का तो लिटरेचर देता है, याद रखिएगा आपका स्वेडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर, स्वेडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर। वही अगर पीस का बात किया जाए तो पीस का देता है, देखिए नॉर्वे का जो पार्लियामेंट है, ठीक है नॉर्वे का जो पार्लियामेंट, उसमें एक 5 मेंबर का कमेटी है, 5 पार्लियामेंट्रियंस का कमेटी है, और वो 5 पार्लियामेंट्रियंस क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि पीस प्राइज किसको देना है, कहां का, नॉर्वे का पार्लियामेंट का। वही बात किया जाए आपका इकोनॉमिक्स का तो इकोनॉमिक्स देता है, याद रखिएगा आपका बैंक ऑफ स्वीडन, बैंक ऑफ स्वीडन देता है। तो आप लोग बोल सकते हो कुछ इस प्रकार से आपका अलग अलग जो प्राइज है आपका अलग अलग फील्ड में अलग अलग जगह पे दिया जाता है, अलग अलग आदमी उसको देता है। क्लियर हो गया आपका। अब हम लोग बात करते हैं क्या इंडियन नोबेल प्राइज विनर्स की, इंडिया में कौन कौन नोबेल प्राइज पाए हैं, तो देखिए देखते हैं। पहला आदमी जिसको आपका पहला इंडियन बोल सकते हो जिसने नोबेल प्राइज पाया था, उसका नाम था, याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जिनको लिटरेचर के लिए 1913 में, कब 1913 में आपका नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। दूसरे नंबर पे मिला था किसको आपका, डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन जिनको फिजिक्स के लिए 1930 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। वही अगर बात किया जाए नेक्स्ट किसको मिला था तीसरे नंबर पे, तो ये थे आपके डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जिनको मेडिसिन के लिए 1968 में आपका अवार्ड मिला था। वही अगर बात किया जाए चार नंबर पे, तो बोल सकते हो पहली भारतीय महिला जिनको नोबेल प्राइज मिला था वो थी आपकी मदर टेरेसा, मदर टेरेसा जिनको पीस के लिए 1979 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। वही पांच नंबर में मिला था किसको आपका, डॉक्टर एस चंद्रशेखर, डॉक्टर एस चंद्रशेखर जिनको फिजिक्स के लिए 1983 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आते हैं आपके डॉक्टर अमृत्य सेन, डॉक्टर अमृत्य सेन जिनको इकोनॉमिक्स के लिए 1999 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, और उन्होंने एक इकोनॉमिक्स का आइडिया दिया जिसका नाम था, याद देखिएगा आपका वेलफेयर इकोनॉमिक्स, वेलफेयर इकोनॉमिक्स 1999 में मिला था डॉक्टर अमृत सेन को। आप लोग बोल सकते हो द फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इज योर डॉक्टर अमृत सेन 1999। नेक्स्ट सात नंबर पे मिला था किसको आपका, वी एस नेपुल को लिटरेचर के लिए मिला था 2001 में। नेक्स्ट हो गए आपके वी रामकृष्णन, वी रामकृष्णन जिनको आपका केमिस्ट्री के लिए 2009 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आपने नाम सुना होगा कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी जिनको पीस के लिए 2014 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा उनका एक एनजीओ है जिसका नाम है क्या है, बचपन बचाओ, ठीक है कैलाश सत्यार्थी का एक एनजीओ है जो कि नाम है उसका बचपन बचाओ, और उसी एनजीओ में क्या कहते हैं बहुत सारे वो बचपन को लेकर जो बच्चे होते हैं उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारा पीस का काम किया था, इसलिए उनको 2014 में आपका बोल सकते हो नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। और आपके इंडिया के आखिरी शख्स जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था वो थे, याद रखिएगा आपका अभिजीत बनर्जी जिनको 2019 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आप लोग बोल सकते हो ये बताया गया आपको क्या, द नोबेल प्राइज विनर्स ऑफ इंडिया। अच्छा
आप लोग बोल सकते हो, अगर हम लोग आगे देखते हैं, आगे कुछ इंपोर्टेंट अगर बढ़ा जाए तो यहां सबको सारा याद रखना है कि किसको किसको हमारा इंडिया में नोबेल प्राइज मिला था। क्लियर हो गया आपका? तो फिर हम लोग आने वाले क्लासेस में अगेन कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक, जैसे कि आपको बताया गया आज नोबेल प्राइज, वैसे ही कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर हम आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। थैंक यू सो मच।